नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। कुछ समय पहले सिंगर नेहा कक्कड़ का उनके बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली संग ब्रेकअप हुआ है। रिश्ता टूटने के बाद नेहा पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लेकिन अब लगता है उन्होंने बीते कल को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। नेहा ने ब्रेकअप के गम को भुलाने की कोशिश करते हुए ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो मुस्कुरा रही हैं। फोटो के साथ नेहा ने खास मैसेज भी लिखा है कि महिलाओं में अगर निखार आता है तो तब जब उन्हें सही से ट्रीट किया जाए और प्यार दिया जाए। वैसे नेहा का ये मैसेज उनके एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली को तंज हो सकता है। इससे पहले नेहा ने इंस्टा स्टोरी पर कई मैसेज शेयर किए थे जिनमें उन्होंने अपने हाले दिल को बयां किया था। सिंगर नेहा कक्कड़ ने ट्विटर पर अपनी एक पुरानी तस्वीर भी पिन की है जिसमें वो दिल खोलकर हंसती हुई दिख रही है। कैप्शन में लिखा है, अगर आप किसी को बिना मुस्कान के देखें तो उसे अपनी मुस्कान दे दें। नेहा कक्कड़ ने ब्रेकअप के बाद हिमांश के बारे में बात नहीं करना चाहती ऐसा कहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में हिमांश के बारे में बात करने से मना कर दिया। सिंगर ने एक्स को पहचानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कौन हिमांश, आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं किसी हिमांश नाम के इंसान को नहीं जानती। बता दें, नेहा और हिमांश बीते 4 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो साथ में किया था, तभी से उनके रिलेशन में होने का पता चला। नेहा और हिमांश ने इंडियन आइडल के मंच पर अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन कौन जानता था कि 4 साल का ये रिश्ता ऐसे मोड़ पर आकर टूट जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।